हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। तो दोस्तों, एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए इलिजिबल हैं, ताकि आपका समय वेस्ट न हो। यदि आपने बीटेक किया हुआ है, किसी भी ब्रांच से आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए इलिजिबल होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होने वाली है, यानी कि ये जो मैक्सिमम यहाँ पे 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होने वाला है। इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना मस्ट रिक्वायर्ड है। तो यदि आप फिट आते हैं इस क्राइटेरिया में तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक PSU नवरत्न कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यहाँ पे सिविल इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब निकाला गया है, उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि यहाँ पे मस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि अपर एज लिमिट यहाँ पे आपके पास 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको इंटरव्यू कराया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब है, इसके लिए आपको 45,000 आपको सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो सेफ्टी ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इसमें आप किसी भी ब्रांच से, आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यहाँ पे इनकी तरफ से जो मांगा गया है एक्सपीरियंस, इसमें 1 ईयर का आपके पास सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आप 40 ईयर्स तक का एज लिमिट मांगा गया है, जिसमें कि आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि यहाँ पे भी कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा इस पोस्ट के लिए भी, और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पे भी सैलरी इनकी तरफ से 45,000 पर मंथ यहाँ पे अलॉट किया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट बताई गई है कि यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं, और सेफ्टी इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस की गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है वॉक इन इंटरव्यू जो होने वाला है वो आपका 29/8/2022 की इसी डेट को होगा, और 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू का जो लोकेशन है, इनकी तरफ से यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं गुवाहाटी आसाम में यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा इस लोकेशन पे। सेफ्टी ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इनके लिए जो इंटरव्यू होने वाला है वो 30/8/2022 को होने वाला है, और इनका भी टाइमिंग 8 बजे से 10 बजे तक होने वाला है। मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या इंटरव्यू के दौरान आपको लेके जाना होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और उसी बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि आपके पास मिनिमम 50 मार्क्स तो आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें जो आपको डोमेन से, यानी कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज हुआ, आपके स्किल्स रिलेटेड चीज़ें, इसी से रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें होंगी पूछी जाएंगी आपको इंटरव्यू में। यहाँ पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड का, यदि आपके पास ऑटो कैड का नॉलेज होगा तो एक अच्छी बात हो। इसके बाद यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट है, उनके लिए जो पोस्ट निकाली गई है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको क्या क्या काम करना होगा। टेक्निकल स्किल्स जो रिक्वायर्ड है सेफ्टी ऑफिसर इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर ऑफिसर के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। इसके बाद यदि आपने काम किया है कंस्ट्रक्शन में, प्रोसेस में, जो फैक्ट्रीज में, तो उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है सेफ्टी ऑफिसर का, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है आपको क्या काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस दोस्तों, यही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड जॉब अपडेट्स आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।